हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं इजी अटैक ने RPM भी क्लीन का अपडेट दे चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.7021 और 23 जो इसका नया लेटेस्ट वर्जन है जो कि इजी अटैक का। तो यहाँ पे आप ये चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे दी गई है। और EMC के जो FFU है बहुत काफ़ी सारे ऐड कर दिए गए हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं KLM4G1FE3B B001, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारों का FFU फर्मवेयर इजी अटैक बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे EMC 5.1 जो है फैक्ट्री फर्मवेयर भी अपडेट कर दी गई है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने सैमसंग के ऐसों की अपडेट दे दी है। और UFS में भी यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट कर दिया गया है माइक्रोन का, जो कि 128 GB का UFS है। और यहाँ पे सैमसंग SK हैनी से काफ़ी सारे यहाँ पे अपडेट दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड CSD पैच वाइल अपलोडिंग न्यू फर्मवेयर, ऐड न्यू EMC FFU फाइल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सैमसंग के यहाँ पे FFU फाइल्स ऑलरेडी इन्होंने ऐड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है इजी अटैक प्लस की टीम की, यहाँ से इजी अटैक की टीम की ओर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे EMC फर्मवेयर यहाँ पे दे चुके हैं। तो हमें ये सारे ICU को अगर आप चाहें तो आप RPM भी क्लीन कर सकते हैं, और EMC चेंज वाले जो हैंडसेट में आप लगाना चाहते हैं उनमें आप इन ICU को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच और एडवांस में ईद मुबारक।